हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फूड किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से और डिलीशियस पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन पराठा इस तरह से मैं बनाऊंगी, जो फिलिंग मैं दूंगी तो उससे थोड़ा सा टेक्सचर पिज्जे का आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स दिखाऊंगी जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो इन्ग्रीडियंट्स लिए वो आपको दिखाते हैं, वो नोट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। मैंने जिंजर का पेस्ट लिया है, गार्लिक पेस्ट लिया है, तो हाफ टेबल स्पून जिंजर, हाफ टेबल स्पून गार्लिक, आमचूर पाउडर हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, टर्मेरिक पाउडर हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून। ये चीज़ है हमारा होममेड है, ये 10 ग्राम हमने लिया है, आप मार्केट से ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गरम चाट मसाला 1 टेबल स्पून होममेड है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रीन चिली 2, और ये मैंने क्रीम ली है, क्रीम ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप ऐड करें, अदरवाइज सब स्किप कर सकते हैं। कैप्सिकम हमने हाफ लिए, इसको बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही 2 मीडियम साइज के अनियन लिए, अनियन को भी चॉप किया है जिस तरह से ऑमलेट में चाहिए होती है। 1 मीडियम साइज का टोमेटो लिया है, चॉप किया है मैंने। ये 100 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है, तो चिकन को हम कट कर लेंगे। किस तरह से कट करना है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले मैं फिलिंग तैयार करूँगी, जिस पराठों में स्टफिंग तैयार करना है, उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी तो उसका रेसिपी दिखाऊंगी, इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हमने आटे के आपको नहीं दिखाए हैं, तो मैं अभी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये चिकन हम कट पीस कर लेंगे इस तरह से, मीडियम, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे कीमे की तरह, ना ही बड़े पीसेस होंगे। तो चिकन हमने वॉश कर ली थी, लेकिन एक दफ़ा जब हम काट कर लेंगे पीसेस पूरे कंप्लीट कट कर लेंगे, उसके बाद भी हम वॉश करेंगे ताकि चिकन की जो कच्ची खुशबू है, जो स्मेल है वो ना आए। अगर स्मेल आएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस तरह से हम चिकन के पीसेस कट कर लेंगे, हमने चिकन कट कर लिया और अब हम तैयार कर रहे हैं इसको पकाना। तो चिकन को सबसे पहले हम पकाएंगे, तो हमने ऑयल 3 टेबल स्पून ले लिया है एक पैन में, गर्म कर दिया है उसको। अब मैं हाफ टेबल स्पून जिंजर ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून मैं गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और 10 सेकेंड इसको पकाएंगे ताकि कच्ची खुशबू जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट की वो ख़त्म हो जाए। तो इंग्रेडिएंट्स हमने जो भी यूज़ किए हैं वो मैं दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से देख सकते हैं, नोट डाउन कर लें। बहुत ईजी है बनाना और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट 10 सेकेंड हो चुके हैं सौते करते हुए, भुन गया है। अब मैंने जो चिकन ऐड किया है, चिकन पीसेस किए थे उसको ऐड कर देंगे। चिकन को हमने पहले भी वॉश किया था कट करने से पहले पीसेस को भी, और जब मैंने माइंस कर लिया इस तरह से तो वॉश कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। तो अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। फाइव से सेवन मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, कलर चेंज हो गया है, जो चिकन का पानी था वो ड्राई हो गया है। अब मैं ऐड कर दूंगी बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, साथ ही सॉल्ट। सॉल्ट हमने 2 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम आटे में ऐड करेंगे जब पराठों का आटा गूंदेंगे। तो इस तरह से हमने चाट मसाला ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर, टर्मेरिक पाउडर आप ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा है, अगर टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलर दिखने में अच्छा हो जाता है चिकन का, तो इसलिए टर्मेरिक पाउडर हमने ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला हमारा होममेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत डिलीशियस होता है। रेड चिली पाउडर चाट मसाला बना के आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अपनी रूटीन डिशों में जो भी खाना बनाए इसमें ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से हमने पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं और उसको तकरीबन 3 से 5 मिनट हम सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 20 ml। ये पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। मैं दिखाऊंगी किस तरह से बनाए, तो बहुत कम ऑयल में बनेंगे और अट्रैक्टिव डिश होती है,
बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो मैं आप 5 मिनट के लिए मैंने लिड करके रखा था ताकि चिकन है वो पक जाए, कच्ची ना रहे। चिकन हमारी पक चुकी है, हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो मैंने साथ ही जब चिकन हमारी कुक हो जाएगी कंप्लीट, उस वक्त हम अनियन ऐड करेंगे। पहले अनियन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अनियन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी अगर पहले से हम ऐड कर देंगे, तो अनियन का जो क्रंची बने वो बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लास्ट में अनियन ऐड करेंगे। टोमेटो, टोमेटो को भी हमें गलाना नहीं है, बस मिक्स करना है चिकन में। तो अनियन और टोमेटो हमने ऐड किए, साथ ही हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैप्सिकम भी ऐड कर दिए। मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है मैंने। अब इसमें जो पानी नज़र आ रहा है तो इसको हमें कंप्लीट ड्राई करना है, इसमें मॉइस्चराइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चराइज होएगा तो ये फिलिंग नहीं अच्छे से हो पाएगी, स्टफ़ नहीं हो पाएगा पराठा। हमें फिलिंग करना है इसकी, तो हमें इसे ड्राई करना है। तो हाई फ्लेम में हमने कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसमें जो पानी नज़र आ रहा है मॉइस्चराइज, वो मैं ड्राई करूँगी। अब मैंने ऐड किया है लेमन जूस, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए लेमन जूस ऐड कर दें, अदरवाइज़ आमचूर पाउडर। अगर लेमन नहीं है आपके पास तो क्वांटिटी बढ़ा दें, 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया तो 1 टेबल स्पून आप ले लें। दिखने में स्टफिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खाने में भी जो हमने मसाले ऐड किए हैं मैंने बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो अब हम इसको 3 से 5 मिनट और सॉटे करेंगे। चिकन हमारी कुक हो चुकी है, जो वेजीज हमने ऐड की है उसे हमें कुक नहीं करना है, बस हमें इसमें जो मॉइस्चराइज नज़र आ रहा है उसको ड्राई करना है। तो इस तरह से कंटिन्यू स्पून चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। देखिए ड्राई हो गया है, इसमें मॉइस्चराइज जो अभी नज़र आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, बस ऑयल है इसमें, तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं, 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया था। तो इस फॉर्म पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमने चीज़ ली थी तो हम यहाँ पर 10 ग्राम हमने चीज़ ली है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है क्योंकि हम क्रीम का भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम चीज़ यहाँ पे डाल देंगे और चीज़ को चिकन में मिक्स कर देंगे, पकाना नहीं है उसको क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी और अगेन चिकन हमारा मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो हमने फिलिंग इसकी अच्छी से होगी, एक बाइंडिंग बन जाएगी चीज़ से, तो चीज़ इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ, चिकन में एक बाइंडनेस बन जाएगी अच्छे से। तो देखिए अभी गर्म तवा है, चिकन गर्म है, मैंने चीज़ ऐड की है तो वो लाइट मेल्ट होने लगी है। तो फ्लेम अगर ऑन नहीं ऑफ नहीं करेंगे, पहले चिकन डाल देंगे, चीज़ को ऐड कर देंगे तो चिकन मेल्ट हो जाएगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई, अब इसे मैं ठंडा होने रख देती हूँ। जब तक ये ठंडा होगा हम आटा तैयार कर लेंगे पराठों का। तो हमने यहाँ पर मैदा लिया ऑल पर्पस फ्लोर 300 ग्राम, साथ ही हमने ऑयल लिया 2 टेबल स्पून और सॉल्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। तो अब हम आटा तैयार करेंगे। आटा हमें नॉर्मल लगाना गूंदना है, जिस तरह से हम रोटी चपाती का आटा गूंदते हैं या फिर पराठों का आटा गूंदते हैं, बहुत ज़्यादा डो हमें टाइट नहीं रखना है। अगर डो टाइट रहेगा तो जो फिलिंग हम करेंगे तो उससे हमारे पराठे फट जाएंगे जब हम जिस वक्त हम रोलिंग करेंगे। तो नॉर्मल आटा होगा, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो हमने ऑयल और सॉल्ट ऐड कर दिया, मिक्स कर देंगे। थोड़े से क्रिस्पीनेस के लिए हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। तो अब इस फॉर्म पे हमने एक साथ पानी डाला था, अब थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि एक साथ पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हमें पता चल जाएगा कितनी क्वान्टिटी हमें वाटर की चाहिए। तो इस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंद लेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक हम आटा गूंदेंगे। आटे की बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस होना चाहिए आटे में। देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है कि आटा किस तरह से गूंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और सॉफ्ट नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं आटे को। अब मैं इसको बात कर प्रोसेस दिखाएंगे। देखिए आटा हमारा सेट हो गया है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं आटे को, तो बहुत बढ़िया तरीके से आटा सेट हो गया है और अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये हमारी जो स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो गई है, साथ ही हमने ऑयल लिया और क्रीम लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अलमराई का क्रीम है हमारे पास, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, इसलिए मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं है तो आपके पास जो
आप जमाते हैं घर में होम मेड क्रीम है, उसको लेके एक ब्लेंडर जार में उसको या एक स्पून की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लें, स्पून की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर जार में वो पतली हो जाएगी तो स्टफिंग बनने से मुश्किल होगा। तो इस तरह से नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है क्रीम। तो अब हम देखिए जिस तरह से चपाती के लोई बनाते हैं उतना ही आटा लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं या नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतना हमने आटा लिया है। इस तरह से उसको लोई बनाई है और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से नॉर्मल रोटी चपाती हम बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको बेलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा जो ऑल पर्पस फ्लोर हमने लिया है वो स्प्रिंकल करते जाएंगे और उसको बेलते जाएंगे। तो एक बड़ी सी रोटी नॉर्मल बना ली मैंने, ये देखिए रोटी बन गई। अब मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर, ये मेरा टी स्पून है, बहुत स्मॉल स्पून है, जिससे मैं ऑयल ले रही हूँ तो मैंने ये ऑयल ऐड किया है। अब साथ ही मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड करूँगी इसमें, तो बहुत कम क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर क्रीम ऐड ले लिया है। अब पहले मैंने ऑयल ग्रीस किया है चपाती पे और उसके बाद हमने क्रीम इस तरह एक फॉर्क की हेल्प से स्प्रिंकल लगा दिया है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनाना है, बहुत बारीक लेयर है क्रीम की। तो अब हम जो हमने स्टफिंग तैयार की है चिकन की वो ऐड कर दूंगी। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के जितना हमने स्टफिंग ले ली है तो इसको हम इस तरह से हाफ चपाती पे फैला देंगे, पूरी पे नहीं फैलाना है, हाफ पे फैलाएंगे इस तरह से। ये मैंने हाफ चपाती पे स्प्रिंकल चिकन को कर दिया है, फैला दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो मैंने यहाँ ट्रिंगल शेप दूंगी मैं, आप स्क्वायर में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन या इजी लगता है तो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी, तो इस तरह से सारे बना लूंगी और जिस वक्त मैं फ्राई करूंगी उस वक्त मैं इसका शेप बढ़ाऊंगी। ये नॉर्मल शेप हमें नहीं रखना है इतना, थोड़ा सा पराठे की शेप में रखना है, थोड़ा सा बड़ा करूंगी मैं इसको, लेकिन पहले मैं स्टफिंग कर लूँ, पराठों में फिलिंग बना दूँ, उसके बाद ही मैं। तो ये सेम प्रोसेस है, मैं दूसरे सारे पराठे बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भी चपाती को कर लिया है। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी, सेम प्रोसेस से हमें क्रीम लगाना है, क्रीम से थोड़ा इसमें पिज्ज़े का फ्लेवर आ जाएगा, मोज़रेला चीज़ आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर दें, चीज़ भी हमने अंदर ऐड की है इसके। तो इस तरह से क्रीम लगाने से जो हमने स्टफिंग तैयार की है पराठा जो है वो चिपक जाएगा, वो खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हम चिकन सेम स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसका पराठे को कंप्लीट पराठा बनाएंगे। ये हम इसका शेप बढ़ा के दिखाएंगे आपको। अभी हमने पेड़े बना के रखे हैं, स्टफिंग करके तैयार करके रखे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हम हाथ में लेके और लगा देंगे, ग्रीस करेंगे और इस पराठे को बेल लेंगे, रोल कर लेंगे। बाकी के सारे पराठे हम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। अब इस पराठे को हम साइज़ बढ़ाएंगे, हमें जितना साइज़ चाहिए पराठे का, तो इसको मैं करके दिखा रही हूँ अभी। तो देखिए बहुत लाइट हैंड से इसको बढ़ाएं, क्योंकि हमने जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट लगाया है, बहुत टाइट नहीं है, तो बहुत जल्दी ये बेल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बहुत लाइट हैंड से हमने इसका शेप बढ़ा दिया है, इतना ही शेप हमें करना है, इससे ज़्यादा हम शेप नहीं करेंगे, नॉर्मल। तो अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस इसको फ्राई करने का तरीका दिखाऊंगी। सारे पराठे मैं इसी तरह से बना लूंगी, स्टफिंग कर लूंगी उसके।
तो चलिए, अब ये मैंने तवा लिया है, तवे को मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, तवा हमारा गरम हो जाएगा। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, रोटी का तवा गरम करते हैं, सेम उसी तरह से हम पराठे के लिए भी तवा गरम करते हैं। तो तवा हमारा जब गरम हो जाएगा, तब हम पराठा ऐड करेंगे तवे में। तो तवा गरम हो गया है, पराठा ऐड कर दें। जब तक तवा गरम नहीं होते, पराठा ऐड नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा, तो बहुत जल्दी बनेंगे इस प्रोसेस से। तो इस तरह से हम हाथ से थोड़ा सा और फैला देंगे तवे के ऊपर, ये नॉन स्टिक पैन है, इस पर चिपकेगा नहीं पराठा। नॉर्मल अगर है पर ले रहे हैं तो उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पराठा चिपक जाता है लोहे के तवे में। तो इस तरह से, जब इस तरह से चपाती को हम सेकते हैं एक साइड, फिर टर्न करते हैं, सेम उसी तरह हम पहले पराठे को सेक लेंगे। तो बिल्कुल ऑयल अभी ऐड नहीं करना है हमें। तकरीबन 3-10 सेकेंड हो चुके हैं पराठे को, तवा गरम था हमारा, अब हम टर्न करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर हो जाए, ये देखिए चेंज हो गया कलर। अब मैं पराठे को टर्न करूँ, ये देखिए इस तरह से नज़र आने लगे पराठा, उसके बाद ही टर्न करने। तो अब हम इसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हमें पराठे नहीं बनाना है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑलिव ऑयल, आप नॉर्मल खाने में जो भी यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल या फिर घी आप ले सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, बहुत हेल्दी होता है ये। तो अब मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल लिया है, तो हमने इस तरह से पराठे के ऊपर ग्रीस कर दिया है। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं पराठे को, अब हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे, जो हमने ऑयल लगाया है इस तरह से सीख जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पर ही पराठे कम ऑयल में बन पाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो पराठों में ऑयल बहुत ज़्यादा लगेगा, और अंदर जो हमने स्टफिंग की है वो उसकी लेयर कच्ची रहेगी, वो भी नहीं फ्राई होएगी। तो कंप्लीट पराठा हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, तभी डिलीशियस बनेगा और कम ऑयल में बनेगा। तो इस तरह से हम इसको दूसरी साइड हम ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब हमारा दूसरी साइड पराठा, जिधर हमने ऑयल ऐड करके टर्न किया था, वो फ्राई हो चुका है। अब मैं टर्न करूँगी और दूसरी साइड इसी तरह फ्राई करूँगी। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मीडियम फ्लेम पर पराठा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसी तरह तकरीबन 3 से 5 मिनट हो चुके हैं पराठे को, हाई फ्लेम पर जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो अंदर है वो कच्चा रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पर ये सारे पराठे मैं फ्राई करूंगी। क्योंकि थोड़ा सा थिक है पराठा स्टफिंग की वजह से, तो अगर इसको हम जल्दी निकाल लेंगे तो अंदर कच्चा रहेगा। तो इस तरह से हमारा पराठा फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ, और इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा फ्राई करेंगे। तो ये मैं दूसरा पराठा ऐड करूंगी, और हाथ की हेल्प से थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेंगे। तो फ्लेम अभी मैंने हाई किया हुआ है, पराठे को विदाउट ऑयल सेकना है तो हाई फ्लेम पर ही करें। जिस वक्त ऑयल ऐड करूंगी उस वक्त मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी। तो अभी हाई फ्लेम पर रखा हुआ है पराठा, अब इसको टर्न करना है हमें। ये देखिए इस तरह से सीख गया एक साइड, दूसरी साइड अब हम इस फॉर्म पे यहाँ पे ऑयल लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ऑयल ग्रीस कर दिया है। तो प्रेस करते हुए हम फ्राई करेंगे, ताकि दूसरी साइड जल्दी सीख जाए। तो इसको अब हम टर्न करेंगे, तो हमने चेक करना है पहले कि दूसरी साइड पराठा हमारा सिक गया है, तभी हम टर्न करेंगे। कच्चा सेक के टर्न कर लेंगे तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से, और इस साइड हम ऑयल लगा देंगे दूसरी साइड। तो हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए इधर भी बहुत बढ़िया तरीके से गोल्डन फ्राई हो गया है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पराठे को, 5 मिनट लगे हैं पराठा बनाने में मीडियम फ्लेम पर। अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन इस तरह से गोल्डन कलर पूरा क्रिस्प नहीं हो पाएगा।
जल्दी वाला बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अंदर कच्चा भी रहेगा, तो ये पराठा भी हमारा फ्राई हो गया है। मैं कर निकाल लूँगी, सारे पराठे इसी प्रोसेस से बना लूँगी। मैंने और भी पराठों की रेसिपी शेयर की है आपके साथ, मैंने कसूरी मेथी पराठे, आलू के पराठे, मुगलई पराठे बनाए हैं, तो मैं सारे पराठे इसी प्रोसेस से बना लूँगी। और अब मैं करती हूँ डिश आउट। पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, चिकन पराठे। मैं सर्व कर रही हूँ उसे मीठी चटनी इमली की, ये होममेड है, दही, योगर्ट, हरी चटनी, अनियन के साथ। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है पराठों की, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।